हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज हफ्ते का पहला दिन और देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निफ्टी 223 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, वही बैंक निफ्टी में ये 1200 पॉइंट की गजब की तेजी देखने को मिली। अभी अप्रैल महीना खत्म होने वाला है, मई चालू होने वाला है और मई में सभी ऑलमोस्ट सभी इलेक्शन के वोटिंग के फेज है, तो मई का महीना काफी जबरदस्त तरीके से भारतीय बाजारों के लिए होने वाला है ऐसा लग रहा है। सबसे पहले ये 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। जो कल हमने लेवल्स मार्क किए थे मंडे के लिए, इजीली अचीव हो गए। ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुए। पहले कुछ मिनटों में सेकेंड टारगेट के पास ही यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, दोबारा से जब ऊपर गया सेकेंड टारगेट के ऊपर भी ये सस्टेन हुआ और जैसे ही इसने डबल सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट किया ये सेकेंड टारगेट के लेवल पे और जैसे ही बाउंस बैक हुआ यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना था और भी तेजी फिर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो जबरदस्त तेजी आज हफ्ते के पहले दिन, हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी रही। हालांकि इस हफ्ते में सिर्फ चार ट्रेडिंग सेशन है, एक छुट्टी आ रही है, तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले डेली चार्ट को एक बार जरूर देख लेते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऊपर जाते वक्त ये 22,500 का ये जो लेवल है ये यहाँ पर हर्डल का काम कर सकता है, तो हमने लास्ट वीक देखा था इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन दूसरे ही दिन फ्राइडे के दिन यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई थी और यहाँ पर ये पिंक लाइन का सपोर्ट था, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो आज हमने देखा हफ्ते के पहले दिन फिर से एक बार 22,500 को इसने तोड़ दिया है और राइजिंग बॉटम यहाँ पर बनाया है। आप देख सकते हैं लोअर हाइज बन रहा है, यानी प्रीवियस लो के ऊपर नेक्स्ट कैंडल का लो बन रहा है, तो यहाँ पर ये हमें अपसाइड मोमेंटम का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी जैसे ही इसने 22,500 को फिर से तोड़ दिया है और क्लोज देखिए कहाँ पर हुआ है, 22,600 के ऊपर, तो यहाँ पर अभी आशा जो है काफी बढ़ जाएगी कि निफ्टी एक बार फिर से ये जो लाइफ टाइम हाई है इसको ब्रेक करके नया हाई बना देगा। तो यहाँ पर काफी स्ट्रांग अभी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रही है, निफ्टी ने 22,500 को ब्रेक कर दिया है। चलते 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। कल के लिए देखिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये अराउंड होगा 22,685, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। इसके ऊपर होगा फर्स्ट टारगेट 22,705 और सेकेंड टारगेट होगा 22,725, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 22,611, फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 22,591 और सेकेंड टारगेट होगा 22,562, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल से कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में तो जस्ट वन साइड मोमेंटम था, पहले जो जैसे निफ्टी में शुरू में एक 10 मिनट का यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला और फिर एक करेक्शन दिखाया छोटा सा, तो यहाँ पर कुछ लगा था कि निफ्टी हो सकता है कि आज भी करेक्शन दिखाए, लेकिन जैसे ही इसने सुबह का ये जो स्विंग हाई बनाया था इसको फिर से एक बार जैसे ही ब्रेक कर दिया और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ से और भी तेजी हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। जबरदस्त ट्रेडिंग का दिन रहा आज बैंक निफ्टी के लिए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। हो सकता है बैंक निफ्टी भी अभी 50,000 का जो एक फिगर है 50,000 का, वो भी आने वाले कुछ समय में टच करे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा आज के हाई के ऊपर होगा 49,481। मैजिक फिगर 50,000 को हो सकता है बैंक निफ्टी टच करे। अभी कल के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 49,565, सेकेंड टारगेट होगा 49,662। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 49,242, फर्स्ट टारगेट बनेगा 49,178 और सेकेंड टारगेट होगा 49,100, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।